मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए, और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे, और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें, जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। और आज और आज जिस स्टॉक के बारे में आप सभी से आज मैं जिक्र करने वाला हूं, उसका नाम है एनसीसी लिमिटेड। ये स्टॉक 93.6 पर चल रहा है, आज 3.71% का जो गेन है ये है। आगे ये वीडियो, इस वीडियो में मैं इसके बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा कि ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लगता है, मेरे क्यों अच्छा लगता है, और इस पर मेरी क्या स्टडी है, और कौन कौन सी चीजें देखकर जो है मुझे ये स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं ट्रेडिंग नहीं करता, ये मेरी पर्सनल व्यू है, 3 से 5 सालों के लिए व्यू है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आप यहां से जा सकते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को जो है डिस्क्लेमर्स, वी आर नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट्स, लर्निंग एंड एजुकेशन ओनली, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज और एंडोर्समेंट ऑफ एनी स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट। Member must seek investment financial advisor before making any investment. Any financial loss or profit is a personal responsibility. We do not accept any liability for the loss or a damage arising as a result of your investment. तो ये हमारी तरफ से आप सभी को disclaimers हैं, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसको screener के जरिए जो है आप सभी के सामने अपनी studies और कुछ key ratios जो है discuss करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, इस share का market cap है 5,873 crores। सबसे अच्छी बात एक, क्योंकि ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी है जो बिल्डिंग, रोड्स, वाटर सप्लाई और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, माइनिंग, पावर ट्रांसमिशन लाइंस में काम करती है। मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। और इस स्टॉक की सबसे अच्छी बात जो कॉन कॉल में पीडीएफ से मैंने देखी है वो ये है कि एनसीसी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस कंपनी का ऑर्डर बुक ऑन कॉल में जो कहा गया है, वो कहा गया है 41,862 करोड़ का जो है इसकी ऑर्डर बुक है। जो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, यहाँ से ऑलमोस्ट 7 times टू द मार्केट कैप है कंपनी। एक साल के अंदर जो है 14,000 करोड़ का जो है सेल्स करती है, जो 3 times है, 3 साल की विजिबिलिटी इस स्टॉक में दिखाई देती है। कंपनी की स्टॉक पी जो है 11.5 है, बुक वैल्यू जो है 92.7 है, डिविडेंड डील जो है 2.14 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.9% है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 6.17 है, फेस वैल्यू जो है और क्योंकि है, डेट टू इक्विटी जो है अगर मैं आपसे बात करूं तो इस कंपनी की डेट इक्विटी जो है वो 0.34 है, जो मुझे अच्छी लगती है। इसके पीछे की वजह है कि ये कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड है और ऑर्डर बुक बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। जैसे इस कंपनी का अगर मैं प्रॉन्स की बात करूं तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.01 times इट्स बुक वैल्यू, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, कंपनी का डेटर्स डे, सबसे अच्छी बात कंपनी का जो पैसा काम करती है, पहले 107 दिनों में पैसा आता था, अब वो 83.4 days में आने लगा है। कंपनी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी घटी है, वो जो 157 डेज लगते थे वर्किंग कैपिटल को करने में वो अब 120 दिन तक हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कंपनी हैज डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ, कंपनी का सबसे बेकार काम है जो कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर किया है, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है एग्जीक्यूशन में जो है काफी तेजी आएगी। हाँ, इसमें एक बड़ी बात यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है लो है, एक कंसर्न का विषय है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 6.16% over the past last 3 years. Company cost of borrowing seems high. Company की cost of borrowing जो है high. Simple सी बात, peer comparison पे आ जाए तो peer comparison में microtech developer जो है company का 9,659.54 है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये company infrastructure में है तो obvious है microtech developer जो है premium builder है और reality के काम करता है, तो इससे comparison जो है वो उतनी सही नहीं मानी जाएगी। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं इसकी कंपैरिजन जो है सिंपल सी बात है पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर से कर लेता हूं, इंफ्राटेक से कर लेता हूं। पीएनसी इंफ्राटेक पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट कैप टू द सेल्स 1:1 पर ट्रेड करता है,
प्रॉफिट पीएनसी जो है थोड़ा अच्छा करता है, ये स्टॉक भी पीएनसी भी मैंने अपने शुरुआती वीडियो में, शुरुआती दिनों के वीडियोस में जो है मेरी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर था आप सभी के लिए। एनसीसी, एनसीसी जो है 5873 है करोड़ का मार्केट कैप है, 14,000 करोड़ का जो है सेल्स है। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर ये कंपनी अपने वन टाइम जो सेल्स पर भी ट्रेड करती है तो भी यहाँ से काफी बड़ा वाइड स्कोप है स्टॉक को आगे बढ़ने के लिए। मैं कहना चाहूंगा कंपनी का सेल्स जितना अच्छा है उतना अच्छा कन्वर्टेबल प्रॉफिट नहीं है, इसकी वजह से जो है, इसकी वजह से जो है ये कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कंपनी का रिजर्व पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्राटेक से ज्यादा अच्छा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा इक्विटी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, डेट बहुत सही मायने में जो है डेट इस कंपनी का थोड़ा ज्यादा अच्छा है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट इक्वल है और ओपीएम जो है पीएनसी इंफ्राटेक का जो है वो ज्यादा है, वो 21% है और एनसीसी का सिर्फ और सिर्फ 9.01%। अब अगर मैं बात करूं तो क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में जो है काफी अच्छा किया गया है। अब मैं इस पे आपको सिंपल सी बात हूं, सेल्स की बात करूं 3850 का सेल्स है। ओपीएम पे आ जाता हूं मैं, ओपीएम कंपनी का जो है 8% से लेकर 12% के बीच में है पर कंपनी का 10% है जो मैं कहूंगा कि अभी ठीक ठाक ही चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बहुत हो सकता था पर हाई फ्यूल कॉस्ट जो है प्रॉफिट को जो है पूरी तरह से खत्म कर देता है। कंपनी में जो मैं कहना चाहूंगा अदर इनकम जो है वो थोड़ी सी जो है बढ़ रही है धीमे धीमे, पर सबसे ज्यादा अदर इनकम जो है 187 करोड़ का था वो भी मार्च 2020 में। इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट कंपनी जो है स्टेबल है, 150 करोड़ से लेकर 110 करोड़ के बीच जो है इनकम या इंटरेस्ट जो है कंपनी लगातार कंटिन्यूअस पिछले 12 महीनों में 12 क्वार्टर से पे किए जा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी ने, मैं आपसे कहना चाहूंगा मार्च 2022 में 234 करोड़ का सबसे बड़ा प्रॉफिट किया था पर मैं आपसे कहना चाहूंगा दिसंबर 2020 से अगर मैं तुलना करूं प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ईपीएस भी पूरी डबल हो चुकी है जो एक बड़ी बात है कि आने वाले समय में ये स्टॉक बढ़ सकता है। पर मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे की वजह क्या है, अगर आपको जिस चीज पर नजर रखनी है वो इसका मतलब ये है कि आपको इस शेयर को नजर रखनी है। अगर आपका व्यू अगले साल का, अगर आपका व्यू बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस शेयर में जो है आपको काफी अच्छी वैल्यू दिखाई दे सकती है। अब अगर मैं बात करूं तो आपको काफी अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है पर आपको एक चीज पर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा पेट्रोल डीजल के प्राइस यानी क्रूड प्राइस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी और क्रूड प्राइस जो है, अगर क्रूड प्राइस एकदम अच्छी तरह से करता है, अगर $80 के नीचे जाके स्थिर रहता है तो ये कंपनी जो है काफी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ से दिखा सकती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा अभी तो हमने क्वार्टर एंड क्वार्टर को जो है तुलना की, अभी हम आते हैं ईयर ऑन ईयर पर। मैं आपसे कहना चाहूंगा सेल्स मार्च 2011 में 6105 करोड़ का था जो अब 14,022 करोड़ का था। मैं आपसे बता दूंगा देखिए पिछले दशक जो था 2011 से लेकर 2020 तक का ये दशक जो है इंडिया के लिए मैं ऐसा कहूंगा कि बहुत ही बेकार दशक था और इस दशक में गवर्नमेंट में 2015-2016 तक जो है गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट लगा इन्वेस्टमेंट वापस लाने में। 2015-2016 तक जो है इन्वेस्टमेंट को वापस लाने में काफी ज्यादा समय लगा और इन्वेस्टमेंट जो है पूरी तरह से जो है बाहर देश के लोग और इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इस शेयर में जो है किसी भी शेयर में जो है और एक्सपांशन प्लान नहीं कर रहे थे क्योंकि इंडिया जो है अच्छी तरह से जो है इसकी छवि जो थी वो बहुत बुरी तरह से धूमिल कर दी गई थी पूरी इंटरनेशनल मार्केट में। मैं आपसे कहना चाहूंगा ओपीएम जो 12% का था जो अब 9% का रह चुका है, मैं आपसे कहना चाहूंगा ये 9% के पीछे की जो मेन वजह है वो है क्रूड के प्राइस जो है लगातार $80-90 के ऊपर रहेंगे तो ऑब्वियस है ये 9% के पास ही रहने वाली है। अब अगर मैं बात करूं तो टैक्सेस 22% के करीब के हैं, नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने जो है
अभी पिछले 12 साल का सबसे अच्छा नेट प्रॉफिट जो है पिछले टीटीएम में क्लब किया है, जो 677 का है। ईपीएस सबसे बेहतरीन 10 रुपए की ईपीएस जो है कंपनी ने क्लब की है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए, कंपनी की सबसे बेकार चीज जो है वो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है, जो मैं कहूंगा कि आने वाले समय में जो है ये कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ये जो 10 साल का जो 6% का है और 3 साल का 5.5%, इसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पर पिछले 1 साल से कंपनी ने काफी अच्छा सेल्स ग्रोथ, 34% का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट में 48% का प्रॉफिट ग्रोथ किया है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत धीमे धीमे जो है अप्रिशिएट हुआ है। पिछले 10 साल में 15%, पिछले 5 साल में -5%, पिछले 3 साल में 42% और पिछले 1 साल में 53%। मैं आपसे कहना चाहूँगा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी की पिछले 10 साल में 5% है, पिछले 5 साल में 8% है, पिछले 3 साल में 6% है और लास्ट ईयर 6% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा बैलेंस शीट में मुझे इस कंपनी की, क्योंकि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, इसकी बोरोइंग जो है मुझे एक हद मात्रा में अच्छी दिखाई देती है। और मुझे लगता है आने वाले समय में कंपनी जो है पूरी तरह से जो है अपने डेट को कम करती हुई दिखाई देगी। और कंपनी के जो एसेट्स हैं वो भी लगातार कंटिन्यूअस 6,000 करोड़ से जो है 13,759 करोड़ के जो है हो चुके हैं। और टोटल एसेट्स में भी काफी अच्छी वृद्धि 15,584 करोड़ तक हो चुके हैं, जो काफी अच्छी बात मानी जाएगी। अब जो इंटरेस्टिंग बात है इसके शेयर होल्डर्स पैटर्न की, जहां मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई जब मैंने इसमें देखा कि इसमें वंगार्ड ने जो है अपनी 1% होल्डिंग जो है 2% होल्डिंग जो है अलग अलग फंड इंडेक्स फंड में जो है इसने खरीद के रखा है। 2% जो है यहाँ वंगार्ड जो $8 ट्रिलियन मैनेज करता है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, वो कंपनी जो है यहाँ 2% होल्डिंग लेकर बैठती है, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पर अगर डीआईए में आ जाऊं तो मुझे एक और चीज जो बहुत अच्छी लगी वो यहाँ मैं आप सभी के साथ जो है शेयर करना चाहूंगा, वो है टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस 1.41%। अब अगर ये 1.41% जो है, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जब भी निवेश करती है तो बहुत समय के लिए निवेश करती है, अगर ऐसा है तो ये स्टॉक जो है मुझे काफी अच्छा आने वाले समय में रिटर्न दे सकता है। HDFC यहाँ मौजूद है, यहाँ ICICI प्रूडेंशियल एक्सपोर्ट्स जो है उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, निपॉन यहाँ भी मौजूद है, यहाँ HDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड जो है वो भी इन्वेस्टेड है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा स्टॉक में अधिकतर सारे के सारे दिग्गज प्लेयर जो है, जितने भी दिग्गज प्लेयर होते हैं सबके सब जो है वो यहाँ मौजूद है, जो मुझे काफी अच्छा वो देते हैं। बड़ी बात रेखा राकेश झुंझुनवाला जी, रेखा जी जो राकेश झुंझुनवाला की पत्नी है, वो भी यहाँ पर जो है 11.24% जो है होल्ड करती हैं और रेखा झुंझुनवाला जी जो है 1.845% अपने पर्सनल होल्डिंग से भी जो है वो क्या करती हैं होल्ड करती हैं। तो यहाँ नहीं 11.24 और 1.85% जो है सिर्फ और सिर्फ इनके पास मौजूद है। मैं आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पर जो है काफी अच्छा है और काफी ज्यादा वैल्यू जो है स्टॉक मार्क, मुझे लगता है कि मेरी स्टडी के अनुसार जो है काफी अच्छा स्टॉक पर जो है काफी अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है आने वाले समय में। पर इसमें आपका व्यू जो है 3-5 साल का होना चाहिए, अगर 3-5 साल का व्यू है तो आप काफी अच्छा पैसा बना के जरूर जाएंगे। पर मेरी वीडियो की सबसे अच्छी बात टेक्निकल लेवल्स, आने वाले समय में ये स्टॉक को आने वाले समय में किस लेवल्स तक ये शेयर जो है आपको जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये शेयर जो है बहुत समय से जो है 80 से 95 के बीच में जो है वो घूम रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये शेयर 9800 को पार करता है तो फिर ये स्टॉक्स में आपको जो वैल्यू दिखाई देगी वो सीधी सीधी जो है आपको जो वैल्यू दिखाई देगी वो दिखाई देगी 120 अगर ये पार करता है तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये स्टॉक जो है आपको 178 तक भी जाता हुआ दिखाई देगा, 178 तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। नीचे में जो लेवल्स पर आप इसे खरीद सकते हैं, देखिए 75 का लेवल है, ये बार बार छूता है और बार बार छूने के बाद ऊपर जाता है। 75 का एक लेवल होना चाहिए आपके पास, वो तोड़ता है तो 58 और फिर
ये तोड़ता है तो फिर ये स्टॉक जो है फ्री फॉल होगा, और फ्री फॉल में ये स्टॉक जो है 30-25 रुपए तक के भी जा सकता है अगर कोई बुरी न्यूज आती है तो। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा नीचे में आपको जो है ये स्टॉक्स के तीन लेवल्स 75, 60, 60, 55 और वो तोड़ता है तो फिर ये स्टॉक्स में फ्री फॉल आएगा और फ्री फॉल जो है उसको 20-25 रुपए नीचे तक ले जा सकता है। तो आप इसको एज ए लॉन्ग टर्म प्लेयर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कभी भी किसी भी एक स्टॉक को जब भी आप खरीदते हैं तो उसे 10 हिस्सों में खरीदिए, 20 हिस्सों में खरीदिए, 25 हिस्सों में खरीदिए, कभी भी किसी भी स्टॉक को एक मुश्त ना खरीदें। अगर आप एक मुश्त खरीदते हैं और वो शेयर नीचे चले जाता है तो आप उस नंबर के गुलाम हो जाते हैं। मेरा टारगेट जो है स्टॉक के लिए काफी बड़ा है, मैं आपसे कोई टारगेट नहीं बोलूंगा। टेक्निकली मैं आपने को बताया कि ये लेवल्स आ सकते हैं, और मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा ये लेवल लॉन्ग, ये शेयर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपके पोर्टफोलियो में काफी बड़ा पैसा बनाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जरूर उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिसको इन्वेस्टमेंट से अपने फ्यूचर को ब्राइट करना हो, उनको जरूर ये स्टॉक जो है, ये वीडियो जो है जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनका भी भला हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूं एक नए वीडियो में। बाय।